अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफा, जुलेखास किचन डॉट कॉम से। आपने मम्मी का पहला वीडियो देखा ही था जिसमें मम्मी ने आपको बहुत चीजें दिखाई थी, मुझे ही नहीं लिया था व्लॉग में, नहीं लिया था। प्रिपरेशन करती थी मम्मी ने, बस प्रिपरेशन ही दिखाई थी मम्मा। प्रिपरेशन, ओके ओके, प्रिपरेशन सही बोल रहे हैं, अजान सही बोल रहे हैं। रमजान की प्रिपरेशन जो मैंने दिखाई थी, थैंक यू तो बोलो मुझे। थैंक यू। अच्छा मैं बात कर लूं, रमजान की जो प्रिपरेशंस फर्स्ट व्लॉग में आपने देखी है, अभी ये सेकंड व्लॉग है। मैं यहाँ आज फ्रीजर स्टोर करूंगी कुछ आइटम्स, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती चलूं। तो चलिए चलिए मेरे साथ देखते हैं आज मैं क्या क्या रेसिपी बना रही हूँ और क्या क्या शेयर करूंगी। मैं भी देखता हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा सा दूर रहूंगा कि मेरे ऊपर खाना नहीं गिर जाए। ठीक है, मैं चलूं, अभी मैं स्टार्ट करूं पकाना। चलो बस यहाँ पर बैठता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं आटे को लगा रही हूँ, क्योंकि मैं घर में बना रही हूँ समोसे के पट्टीज और स्प्रिंग रोल शीट्स। मुझे ये दोनों जो घर के बने हुए होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं टेस्ट में, इसके लिए मैं मोस्टली घर में ही बना लेती हूँ। बाजार के भी अच्छे होते हैं, लेकिन बाजार के से बेटर ऑब्वियसली घर के ही हैं। तो यहाँ पर मैंने ये आटा लगा लिया है और इसे थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ साइड पे। इसके साथ साथ मैं चिकन की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जहाँ मैं बना रही हूँ चिकन चीज कबाब, और मैं जो स्प्रिंग रोल की चिकन है ना, वो भी इसी में ही डायरेक्टली डालकर बॉईल कर रही हूँ। तो ये एक साथ काम हो जाए ना, फिर अलग अलग कौन करने जाएगा ना। तो यहाँ पर मैं ये प्रिपरेशन कर ली, यहाँ साइड बाय साइड वो दो के साथ साथ तीसरी प्रिपरेशन, यहाँ मैं स्प्रिंग रोल की सब्जियां जो है वो काट रही हूँ। वैसे स्प्रिंग रोल और ये जो चिकन चीज कबाब और ये जो घर में मैंने ये बनाया है समोसे की पट्टी के पूर और स्प्रिंग रोल्स की, ये सारी की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं चावल भी बनाने, क्योंकि अभी दोपहर में चावल भी खाने हैं, और आपने देखा होगा मैंने जो आलू है वो भी बॉईल कर लिए थे। आलू बॉईल करने के बाद छान कर निताल कर साइड पर रखा, और वही कुकर को हल्का सा खंगाल कर उसी में ही मैं जो चिकन का कीमा है वो बघार रही हूँ। अच्छा, इसको मैं है ना कुकर में नहीं बनाऊंगी ढाक कर, मतलब गैसकेट नहीं लगाऊंगी, सीटी वीटी नहीं बजाऊंगी, बस उसी में ही बना रही हूँ कि मेरा एक पतीली वेस्ट ना हो ना। तो उसी में बना रही हूँ, दम पे रख रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता स्लो कुकिंग पे चिकन गल जाएगी, बहुत जल्दी ही गल जाती है चिकन। तो वैसे ये जो चिकन में बघार रही हूँ ये समोसे के लिए है, तो ये हो चुकी है, इसका चूल्हा बंद कर दिया, चावल भी हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं चिकन बॉइल भी हो चुकी है, तो इसका भी चूल्हा बंद कर देती हूँ। दोपहर का टाइम हो चला है और मैंने अभी यहाँ गर्मा गर्म मजेदार सा चिकन तरी वाला जो सालन होता है काफी दिनों बाद बनाया। वैसे अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कहना, मैं जरूर बनाकर अपलोड करूंगी। इसे हम किसके साथ सर्व करते हैं मालूम है, कचुम्बर जो आता है इस ये वाला, बहुत ही मजा आता है। इसमें कुछ नहीं है, प्याज काट के डालिए, हरी मिर्ची डाल दीजिए बारीक काट के, कोथमीर डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा नींबू अपने स्वाद अनुसार डालकर मिक्स कर 2-5 मिनट साइड पर रखिए और फिर सर्व कीजिएगा। ये कचुम्बर बहुत ही मजेदार लगता है ये ऐसे टाइप के सालनों के साथ। तो चलिए, नमाज पढ़ चुकी हूँ मैंने और अब यहाँ बिस्मिल्ला कर रही हूँ खाने की। चलिए आप भी आइए बिस्मिल्ला कीजिए। वैसे मैं अकेली खाना नहीं खाती हूँ, अरफात भी होते हैं लेकिन उन्हें थोड़ा सा शाय फील हो रहा है तो वो वीडियो निकाल रहे हैं मेरा फिलहाल, और मैं खाना खा रही हूँ। हम लोगों ने खाना खा लिया तो अब अजान को खिलाने की बारी है, बच्चों को भी खिलाना पड़ता है। जैसे ही ये कम्प्लीट होगा फिर बैक टू मेरे बाकी के जो काम है उसमें मैं लग जाऊंगी। सारे मसाले मैंने वहां बनाने रख दिए, वो सारे बन चुके हैं, तो जब तक वो ठंडे हो रहे हैं मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा बता दूं, ये भी आ गए थे। ये आटा है 10 किलो का आटा, ये सॉसेस है विनेगर और चिली सॉस, सोया सॉस मेरे पास बड़ा वाला रखा हुआ है, ये लाइजॉल है, दो एक साथ मिल रहे थे तो मैंने ये दोनों मंगा लिए। कंफर्ट है ये खुशबू के लिए कपड़ों में, कॉर्नफ्लावर बहुत चहता रहता है तो मैंने वो मंगाया। ये बाथरूम धोने का हार्पिक है, साबुन है, और ये काफी लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि ये जो चावल है बासमती मैं वो कहाँ से लेती हूँ। ये मैं हमेशा ऐसे छुट्टे जो होते हैं ना वही प्रेफर करती हूँ, 100-125 वाली रेंज के जो होते हैं ना उसी को ही मंगाती हूँ। अभी तक मैंने कोई ब्रांड काफी ट्राई किए हैं बट मुझे कोई ऐसे खास जमे नहीं है, और ये ज्यादा मुझे बेहतर लगते हैं उनसे, तो इसके लिए हमेशा मैं 100-125 वाली की रेंज के मंगा लेती हूँ। ये मैंने फिर से कहीं और से मंगाया है ट्राई के लिए,
अगर अच्छे लगेंगे तो मैं तकरीबन ज्यादा क्वांटिटी 5-7 किलो मंगा के रख दूंगी बासमती। ये विम बार है जो जो बर्तन धोते हैं, और ये नूडल्स है, हाका नूडल्स है। अभी स्कूल शुरू हो गई है तो सुबह में टिफिन देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से थोड़ा ये मेरे बेटे के लिए मंगा के रखा है। और ये है बेसन, ये है मैदा, एक पैकेट तो मैंने खोल लिया। ये है फ्रेश क्लिंग रैप, और ये है व्हील बाथरूम धोने के लिए, और ये है सर्फ कपड़े धोने के लिए। ये है भी, ये भी कपड़े धोने के लिए ही है। और ऑब्वियसली ये वो है हार्पिक टाइप है, लेकिन बाथरूम टॉयलेट धोने का टॉयलेट क्लीनर है। सो बस इतना ही मंगा है, बाकी सब तो रेगुलरली आते जाते रहते हैं। चीजें जो सारी चीजें हैं वो तो रहती ही है, और कुछ ज्यादा खास सॉस और शरबत ही रहते हैं जो मंगाए जाते हैं। सो ये रहे सॉसेस, और शरबत तो है मेरे पास रखा हुआ, और बस इतनी ही चीजें हैं, और वो आती जाती रहती है, एवरी कुछ कुछ दिनों में आते रहते हैं ये। सो हाँ बस इतना ही है। चलिए अब मैं आगे बनाती हूँ, बारती हूँ सारी चीजों को, खाना वाना खा लिया है, अब इसका आगे का करती हूँ मैं बारने का। अब ये क्विकली मैं ये जो आटा है उसके पेड़े बनाकर इसकी दो दो लेयर वाले, 3 लेयर वाले या 4 लेयर वाले ऐसे पूर बना लेती हूँ। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, घर पे क्विकली भी बन जाते हैं। आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ये डिटेल रेसिपी मैंने बताई है। इनफैक्ट मैं तो बहुत ज्यादा ये बनाती हूँ घर पर, और इसे सेक भी लेते हैं कच्चा पक्का जब हम, और उसे निकाल कर आप स्टोर कर कर फ्रीजर के अंदर रखते हैं ना, तो तकरीबन 2-3 महीने तक आप इसे, ये जो पट्टियां हैं उसे रख कर खा सकते हैं। जब भी मन करे निकालें, कुछ देर में तो वो थॉ हो जाती है, उसके स्ट्रिप्स करें और उसको आप वार दीजिए चिकन या मटन के, उसके लिए समोसे के लिए। ये रोटियां सारी बन चुकी हैं यहाँ पर। अब मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल, चिकन स्प्रिंग रोल। मैं यहाँ आपको क्वांटिटी और जो मिजान है, मेजरमेंट्स है, वो सारा नहीं बता रही। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं खुद सारा एकदम फटाफट जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वैसा डालती हूँ हमेशा, तो इसके लिए मैं कुछ डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ। आप तो ये सारी रेसिपीज मेरी ऑलरेडी बनकर रखी हुई है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। इसके लिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो भी सारा मैं बना रही हूँ, सारे के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ आप लोगों के लिए, आप वहां चेक कर लीजिए। तो यहाँ मैं फटाफट बना लेती हूँ चिकन स्प्रिंग रोल का, ये जो वेजिटेबल्स के साथ मसाला, तो थोड़ा ये ठंडा होगा, उसके बाद ही मैं पूर में भर पाऊंगी ना स्प्रिंग रोल की शीट्स के अंदर। चलिए स्प्रिंग रोल का मिक्सचर बन चुका है, इसे ठंडा होने रहने देती हूँ। साइड बाय साइड ये जो मिक्सचर बॉईल करके रखा था चिकन और आलू का, इसको बराबर प्रिपेयर करके मैं अभी इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ पहले ये जो पूर का काम कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि बाहर रखे रहेंगे ज्यादा देर तो एकदम कड़क ना हो जाए। तो फटाफट पहले मैंने उसे फ्रिज में रख दिया चिकन और आलू के मिक्सचर को, और यहाँ पर मैं समोसे की जो पट्टियां हैं उसे एक साइज में काट रही हूँ, क्योंकि मैंने गोल काटा है। मैंने आपको रेसिपी के अंदर स्क्वायर शेप दिखाया है, लेकिन अब मैं उतना टाइम नहीं था मेरे पास, इसके लिए मैंने डायरेक्टली राउंड शेप में ही बनाया, और जो साइड के बचे हुए ना उसके भी मैंने काफी टाइम छोटे छोटे समोसे बनाए। तो यहाँ सबसे पहले मैं बढ़िया से समोसे बनाना शुरू कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। अच्छा यूजुअली मैं हरी मिर्चियाँ डालती हूँ समोसों के अंदर, लेकिन अब नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चे की वजह से, बच्चे लोग ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, जो लाल चटनियाँ हमारी तो रहती ही हैं, उसका लिंक भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, और हरी चटनी रहती तो उन दोनों के साथ हम सर्व कर लेते हैं। टमाटर सॉस तो वैसे भी हम खाते नहीं हैं, बच्चे लोग खाते हैं। तो ये देखिए बन गई मेरी समोसे, और अब मैं आ रही हूँ स्प्रिंग रोल्स के ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं मैं डायरेक्टली राउंड शीट्स के ऊपर ही बना रही हूँ उसको, मैंने स्क्वायर ना ही अभी भी काटा है और ना ही स्टार्ट में जब बना रही थी शीट्स तब काटा था, लेकिन आपको एकदम परफेक्टली स्क्वायर शेप वाला चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं सुबह से मैं लगी पड़ी हूँ, अभी तक 2 ही आइटम्स बनी है, और हाँ ये स्प्रिंग रोल शीट्स भी और ये जो समोसे की पट्टी भी बनाई है, तकरीबन सुबह से शाम हो गई। स्प्रिंग
स्प्रिंग रोल्स माशाल्लाह सारे हो चुके हैं। अभी सबसे पहले तो मैं समोसों को फ्रीज करके रख देती हूँ, बाहर रखे हुए हैं। सबसे पहले कंटेनर लीजिए, नीचे प्लास्टिक रखिए और उसे थोड़ा सा तेल वाला हाथ करने के बाद ये जो समोसे है ये एक लाइन लगा दीजिए, फिर से एक शीट रखिए प्लास्टिक की, थोड़ा सा तेल वाला हाथ लगाइए और ये दूसरी लाइन समोसे की इस पर लगाकर आप इसे ढककर फ्रीजर के अंदर रख दीजिए। चलिए तो अब मैंने लाई हूँ चिकन चीज कबाब का मिक्सचर और यहाँ पर मैं फटाफट उसे भी वार लेती हूँ। वैसे मुझे मटन चीज कबाब भी बनाकर स्टोर करके फ्रीजर में रखनी है और जो समोसे हैं वो भी मटन के बनाकर रखने हैं, लेकिन दोनों मटन है ना मुझे मिला ही नहीं। वो बोल रहे हैं मैं भेज रहा हूँ करके पूरा दिन निकल गया, अब शायद कल मिलेगा तो कल मैं बना लूंगी उसे। चलिए ये भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं, इसे भी मैं स्टोर करके रख देती हूँ। प्रोसीजर वैसा ही रहेगा, इसे भी मैं उसी तरीके से डब्बे में डालकर स्टोर कर कर रख देती हूँ। वैसे सारे जो भी मैंने बनाए वो सारे की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मेरा डब्बा छोटा है तो आप देख सकते हैं, बंद कर रही हूँ तो पिचक ना जाए, इसके लिए मैं ये जो समोसे वाले डब्बे हैं उसमें स्पेस है उसमें डालकर फ्रीज करके रख रही हूँ। यहाँ पर मैं स्प्रिंग रोल्स को भी उसी तरीके से डालकर फ्रीज करके रख देती हूँ। और हाँ, जो चीज जो मैंने बनाई है पूर जिसे मैं कहती हूँ, वो मेरे अभी भी मटन के समोसे बाकी है, ये मैं इस तरीके से प्लास्टिक शीट में डालकर इसे फ्रीजर में रखती हूँ। मैंने आपको दिखाया ही नहीं तो नेक्स्ट डे है, मैं आपको सोची दिखा दूं। ये देखिए सारे इस तरीके से फ्रीज करके रख दिए मैंने और ये नीचे वाला जो आप देख सकते हो उसमें मैं हमेशा जो कच्चे गोश्त वगैरह मटन चिकन जो भी होता है वो मैं उसमें रखती हूँ। तो ये सारे हैं जो मैंने सारे फ्रीज कर लिए हैं, ये है समोसे, चिकन समोसे हैं ये फ्रीज करके रखे हैं, और ये है स्प्रिंग रोल्स चिकन वाले और वेजिटेबल्स वाले, ये है चिकन चीज कबाब, और ये है ना ये मैंने रोटियां जो है ये क्या बोलते हैं इसकी रैप्स समोसे के हैं, ये मैंने रखे हैं। अभी मैं काफी दिन से मटन की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मटन मिल नहीं रहा है, अब कल आएगा तो मैं कल इसके अंदर से स्ट्रिप्स करके मटन समोसे बना लूंगी और मटन चीज कटलेट सॉरी मटन चीज कबाब बना लूंगी। सो वो दो भी स्टफ करके रखूंगी, तकरीबन 5 आइटम हो जाएगी, तो ये 3 है और वो 2 मटन की हो जाएगी तो 5 हो जाएगी। अभी मैं अगर वापस एक दिन और लेट करती हूँ तो आपको ब्लॉग थोड़ा लेट मिलेगा, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ी आइडिया तो आ जाए कि मैं क्या स्टोर करके रख रही हूँ। तो ये 3 है और वो 2 आज अभी शाम तक आएगी शायद मटन, तो शाम को बनाऊंगी मैं। तो बस यही था आज का। तो ये देख सकते हैं आप रेडी चिकन स्प्रिंग रोल, चिकन समोसा और तीसरा वाला चिकन चीज कबाब। वैसे कुछ रमजान की रेसिपीज मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अच्छा वैसे अजान को कुछ कहना है? मुझे इतने दिनों से मम्मा ब्लॉग नहीं ले रही थी तो मुझे लग रहा था मम्मा लेंगी नहीं, तो रमजान वाली मैं वीडियो में ही ले लिया हूँ मैंने, है ना? ले लिया ना अभी आपको पहले? हाँ। तब मैं शुरू करूँ? हाँ। अस्सलाम वालेकुम, मम्मी के वीडियो में वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन शेयर सब कुछ कर देना। अरे वाह, ये तो अच्छा था, थैंक यू। सो मम्मी के वीडियो में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ, और सब कुछ कर देना, ढेर सारे कमेंट भी कर देना। हाँ, और वो जो लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन शेयर जो है ना वो हमें आप लोगों को कितने करना है? 10 लाख। ओके ठीक है, सो सबको बाय, अल्लाह हाफिज़।